वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग क्लास फोर्थ मैथ्स यूनिट 9 वर्कशीट 2 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अब वर्कशीट 3 का सलूशन करना है। वर्कशीट 3 में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर बेस्ड ही क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है क्वेश्चंस को, इसे फिल इन द ब्लैंक की तरह में सॉल्व करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/2 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, यानी जो भी फ्रैक्शन हम यहाँ बनाएंगे उसमें ये 1/2 छिपा होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका जो है ना वो ये है कि देखिए इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 हो गया, तो 2 से 4 हुआ कितने टाइम्स हुआ भाई, 2 जा 4, तो जब ये 2 टाइम्स हुआ तो ये इसका डिनोमिनेटर भी तो 2 टाइम्स होना चाहिए। इसको मैंने कहा मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 जा 4 आ गया। इसी तरह न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बन जा 2। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। डिनोमिनेटर में जो एक्शन लिया गया वही न्यूमरेटर में भी एक्शन लिया जाएगा। बी वाला क्वेश्चन देखिए 4/6 है, यहाँ बॉक्स दे दिया यहाँ 18, तो यहाँ क्या होगा? तो भाई इसका तरीका आप देखेंगे किसके डिनोमिनेटर को कितने टाइम्स बढ़ाया गया है। तो 6 का 18 है, 6 का टेबल कितनी बार पर है 18 होगा, 6 1 6 6 2 12 6 3 18, यानी 3 टाइम्स में 6 3 18 हुआ, तो यहां भी 4 3 होना चाहिए। 4 3 कमेंट करके बताइए 12। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब सी वाला क्वेश्चन 7/9 है, इधर 42 है, यहाँ बॉक्स फिलअप करना है, तो भाई न्यूमरेटर देखो कितने टाइम्स, न्यूमरेटर में टेबल पढ़िए 7 का कितनी बार में 42 होता है, तो 7 6 42 6 टाइम्स में हुआ, तो डिनोमिनेटर में भी 6 टाइम्स में 9 6 54। जितने टाइम्स आप ऊपर ले जाएंगे उतने टाइम्स नीचे भी चेक करना होगा। यहाँ देखिए 3 का 21 हो गया, तो टेबल देखिए 3 7 21 होता है, यानी 3 में 7 से मल्टीप्लाई किया गया, तो जब 3 में 7 से किया गया तो 5 में भी 7 से करिए, 5 7 35 5 5 7 हो गया 35। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, जो दिया है उसी को देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर दिया, इसका डिनोमिनेटर दिया, 15 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75, 15 5 जा 75, तो जब 15 5 जा हम कर रहे हैं तो 12 5 जा भी करें, जो काम डिनोमिनेटर में हुआ है न्यूमरेटर में, तो 12 5 जा 60। सही, ये तो देख रहे थे टेबल में कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें देखिए डिवाइड करना है, यहाँ 27 है यहाँ 30 है, 27 को बना दिया 9, तो भाई कितने से डिवाइड करेंगे 27 को, तो कोसेंट 9 आएगा, 3 से 3 9 27, 9 कोसेंट यहाँ आ गया, तो जब 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 से इसको भी डिवाइड करना होगा, जिससे जैसे यहाँ मल्टीप्लाई जिससे कर रहे थे 5 से मल्टीप्लाई नीचे किए थे तो 75 आया था, तो 5 से 9 में मल्टीप्लाई किए, इसी तरह जिससे डिवाइड करेंगे ऊपर उसी से डिवाइड करेंगे नीचे, तो 3 से डिवाइड किए तो कोसेंट 9 आया, 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आ जाएगा 10, कोसेंट आ जाएगा 10। इसी तरह अब यहाँ 45/81 है, तो 81 को कितने से डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा, 9 से डिवाइड करके देखिए 9 9 जा 81, तो कोसेंट 9 आ गया, 9 से डिवाइड किए इसको तो 9 आ गया, तो जब नीचे डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड किए तो न्यूमरेटर को भी 9 से डिवाइड कीजिए, 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 9 5 जा 45। इसी तरह यहाँ देखिए 20 है अपॉन 60, तो 6 आया, जरा ये बुक में देख लीजिएगा, मेरे पास पीडीएफ में यहाँ क्या लिखा था नहीं क्लियर हो रहा था, मैंने अपने से लिख दिया है 6, तो यहाँ 6 है
60 का 6 हो गया, यानी इसको 10 से डिवाइड किया गया होगा तभी तो रिजल्ट 6 आया। तो जब 10 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो 20 को भी तो 10 से डिवाइड करेंगे भाई, तो 10 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वाले फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस इस तरह के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कहीं डिवाइड करना है कहीं मल्टीप्लाई करना है, जो रिटर्न में करेंगे वही सॉल्व करेंगे। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 1/3। 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमको फाइंड आउट करना है विद पहला न्यूमरेटर 5, यानी कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3 का हम ढूंढेंगे उसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 5। तो चलिए देखते हैं, 1/3 दिया है और इसके न्यूमरेटर को 5 बना रहा है, तो वही न्यूमरेटर को 5 का बना सकते हैं जब 1 में 5 से मल्टीप्लाई करें। जब 1 में 5 से मल्टीप्लाई किए, अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आगे न्यूमरेटर आ जाएगा 5 1 5। जो क्वेश्चन कर रहा था हमने वो सॉल्व किया, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया अपने मन का, आपने मल्टीप्लाई अगर 5 से न्यूमरेटर में किया है तो आपको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा सेम एक्शन। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया 5 3 3। पता करना है जिसका डिनोमिनेटर 18 है, सबसे पहले 1/3 लिखे और डिनोमिनेटर को कह रहा है कि 18 हो, ऐसा फ्रैक्शन बनाना है 1/3 को कि उसका डिनोमिनेटर 18 हो जाए। तो 3 से 18 कब होगा भाई, 3 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तभी तो 3 6 से 18, यानी 3 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1/3 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करना था जिसका डिनोमिनेटर 18 है, देखिए इसका डिनोमिनेटर 18 है। सी, एक ऐसा 1/3 का फ्रैक्शन पता करना है जिसका डिनोमिनेटर 11 है, तो भाई 1/3 को इसका न्यूमरेटर बनाना है 11, तो 1 की जगह 11 कब आएगा, जब 1 में 11 से मल्टीप्लाई कर दे तो न्यूमरेटर 11 हो गया, लेकिन जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 11 1 जा 11 हुआ और 11 3 जा 33। ये देखिए तीसरा वाला भी, न्यूमरेटर 11 होना चाहिए था, देखिए इसका 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 11 है, तो जो क्वेश्चन में दिया था हम लोगों ने पूरा किया बिल्कुल ठीक ढंग से। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया कमेंट करके जरूर बताइएगा, विल ट्राई टू हेल्प यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 दिया है, चेंज 5 5 9 इट फ्रैक्शन ऑफ 5 9 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर 54 हो जाए। चलिए देखते हैं, 5 9 है, इसका डिनोमिनेटर 54 हो ऐसा कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका नहीं है। तो जब 54 यहाँ दे ही दिया तो 9 का टेबल कितनी बार पढ़ने पर 54 आया भाई, 9 6 54, यानी इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, और जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया गया तो नीचे तो न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30। ये 30/54 देखिए एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/9 का जिसका डिनोमिनेटर 54 है, यही क्वेश्चन का मतलब था। अगला क्वेश्चन है, चेंज 20/28 इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 5, एक ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करना है कि न्यूमरेटर 5 हो। तो पहले फ्रैक्शन लिख लीजिए 20/20 और अगर इसका न्यूमरेटर 5 हो जाए ऐसा कोई
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढिए। तो न्यूमरेटर 5 था तो हमने न्यूमरेटर की जगह 5 लिख दिया, लेकिन ये 25 कब बनेगा? जब इस 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तब ना ये 5 आएगा। 4 5 जा 20 वो से 5 आएगा। तो जब न्यूमरेटर में 4 से डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर में डिवाइड किए 4 से, तो 4 7 या 28, यही वो फ्रैक्शन है जिसको ये पूछ रहा था। देखिए इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 5 है देखिए और इसके इक्विवेलेंट है। तो इस तरह से वर्कशीट 3 के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये सारा सॉल्यूशन था। अब हम लोग अगले वीडियो में वर्कशीट 4 के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो जरूर अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन जरूर करें। थैंक यू।